यूपी में इन दिनों ऐसे बारिश हो रही है जैसे मानो मुसीबत बरस रही है। लोग परेशान और हलकान, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इन हालात से बचाए। प्रदेश के अलग अलग शहरों में जल भराव की तस्वीरें और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। और अगर वक्त रहते प्रशासन ने तैयारी कर ली होती तो जिस मुश्किल का लोग सामना कर रहे हैं शायद वो आई ही ना होती। हालांकि सीएम योगी ने जनता के दर्द को समझा है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है। लेकिन कब तक इन हालात से लोगों को दो चार होना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी में बारिश ऐसे बरस रही है जैसे मानो आसमान से आफत बरस रही हो। इन तस्वीरों को देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा। प्रदेश के जिलों के सिर्फ नाम बदले हैं लेकिन हालात लगभग एक जैसे ही हैं, चाहे बात राजधानी लखनऊ की हो या फिर किसी दूसरे जिले की। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है जहां भारी बारिश के बाद दीवार गिरी जिससे एक लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इतना ज्यादा पानी भरा कि गाड़ियां आधी पानी में डूब गईं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। लखनऊ के ऐसे हालातों के बीच मेयर संयुक्ता भाटिया ने सभी 8 जोन का निरीक्षण किया और जल निकासी के लिए अधिकारियों के साथ मशक्कत की। इसके साथ ही मेयर ने निगम के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा तो वहीं नगर निगम ने आम लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। गोंडा में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, लोग घरों में कैद हैं तो वहीं फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। रायबरेली में भी भारी बारिश से सई नदी उफान पर है और लोगों का इस नदी पर बने पुल से निकलना भी दुश्वार हो गया है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी लगातार सई नदी के जल स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। इन चार तस्वीरों को देखकर आप आजमगढ़ के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। ज्यादातर इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है। किन किन शहरों में बारिश आफत बनकर टूटी है वो आपको बताएं तो अंबेडकर नगर में कच्चा मकान गिर गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 की मौत हो गई। सीतापुर के थाना सदना इलाके में दीवार गिरने से 1 महिला की जान चली गई। उन्नाव की कोतवाली अजगैन के बघरी गांव में दीवार गिरी, 1 की मौत हो गई। बाराबंकी में अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में दीवार गिरी और 1 युवती की जान चली गई। इस तरह से कई शहरों में बारिश का कहर लोगों पर टूटा है। 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि सीएम योगी इन हादसों पर गंभीर हैं और सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नगर निकाय और पंचायती राज के सभी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतरकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लें, साथ ही लोगों को समुचित राहत पहुंचाएं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय इस बात का ध्यान रखें कि जल जमाव के कारण कोई रोग ना फैले, इसका उचित उपाय किया जाए। अतिवृष्टि और वज्रपात से जान गंवाने वालों को तुरंत सहायता राशि देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 2 दिन के लिए बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के इन हालातों पर सीएम इतने गंभीर हैं कि खुद कई जगहों का दौरा कर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की है और उन्हें मदद के तौर पर राहत सामग्री भी बांटी है। सरकार लोगों को राहत पहुंचा रही है लेकिन आसमानी आफत कब लोगों का पीछा छोड़ेगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।